करना है, उधर से सीख लाए, मतलब मन काम साफ सफाई करना उधर से सीख लाए, और कहीं साफ सफाई करना पड़े उधर से सीख लाए, और इस मौके पर मैं स्वागत करता हूँ इस सभा का एमपी दैनिक भारत जल्द कार्रवाई करें। उसके अलावा जो
निजामाबाद में जो कॉलेज है MBBS, उसके अलावा स्टेट में भी जो कॉलेजेस है, हम चाहते हैं कि उसकी जो सीट्स है उसमें इजाफा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो MBBS के और MD के स्टूडेंट्स हैं वो उसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे इसमें हम लोगों ने चीज़ें दर्ज की है, मेमोरेंडम आपको पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस पर खासतौर पर जो मालापल्ली कॉलेज का जो इशू है वो गुज़िश्ता कई सालों से ईसाइयों के अलावा भी बहुत सारे लोग उसके लिए आपसे नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हम गुजारिश करते हैं कि जो आने वाला अकेडमिक ईयर है उसमें उस कॉलेज को शुरू किया जाए। थैंक यू। आज हमारे इस जमात इस्लामी के दफ्तर में ऑफिस में श्रीमती के कविता साहिबाल का इस्तेमाल करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही हमारे दरमियान में ऐसे अलीम साहब, जनाब मुजीब साहब, जनाब अल्फत खान साहब, जनाब जफर साहब, और जहाँ तक PRS गवर्नमेंट, KCR गवर्नमेंट का ताल्लुक है और मैडम कविता का ताल्लुक है, ये तेलंगाना के आवाम के मसाइल को समझने में वो बहुत आगे हैं। हम जो मसाइल पेश कर रहे हैं इनको पेश करने से पहले भी मैं समझता हूँ कि मैडम कविता इन मसाइल से अच्छी तरीके से वाकिफ है, लेकिन इन बातों को पेश करना ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम इन मसाइल को हल करने में कामयाब हो सके। जहां तक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह का ताल्लुक है, इसके उसमें एक वन बाई वन में अपनी बात रखूंगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट नहीं है, लेकिन वहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है वहाँ भी स्टाफ मौजूद नहीं। तो हमारे बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पढ़ने आती हैं लेकिन उनकी सही तालीम और तरबियत नहीं हो पाती, तो एक मसला स्टाफ का है। दूसरा, वहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो सीट्स हैं, उसमें भी इजाफे की जरूरत है। तो इसका ताल्लुक तो पूरे स्टेट से उसमें पढ़ने आते हैं लोग, लेकिन मुस्तक निज़ामाबाद एक उर्दू तालीम का भी एक अहम मरकज़ है, तो वहाँ पर डाइट में स्टाफ का और स्टूडेंट्स की तादाद को बढ़ाने पर तवज्जो। दूसरा, इस मौके पे मसला ये रखना है कि एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मैडम कविता हमारे पूरे रियासत से अकेली खातून मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का भी एक बहुत बड़ा आजकल इंटरनेशनल इशू है, और हम भी चाहते हैं कि ख्वातीन आगे बढ़ें, मुस्लिम ख्वातीन भी आगे बढ़ें, तो डिग्री कॉलेज की तालीम के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज को यहाँ पर कायम करना, ये हमको इस 2018 में उर्दू सभी हो सकते हैं उसमें उर्दू। और सबसे अहम चीज़ जो हमारे अनवर खान साहब हैं उन्होंने रख दी है, मैं उसी को आगे बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो है यूनानी मेडिकल कॉलेज। निज़ामाबाद में यूनानी हॉस्पिटल बहुत दिनों से है, उसकी अपनी बिल्डिंग भी है, उसको भी रिनोवेशन की जरूरत है, लेकिन जाहिर है कि जो बच्चे MBBS में एडमिशन नहीं लेना पाते हैं वो भी एक बहुत अहम शाखा है भूमियों की तरह ये यूनानी मेडिकल की। तो यूनानी मेडिकल कॉलेज पूरे तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद में, पहले करनूल में था, करनूल रायलसीमा में चला गया, तो अब हमारे को पूरे तेलंगाना में हैदराबाद के बाद कहीं पर यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं है। यूनानी मेडिकल कॉलेज में एक अहम सब्जेक्ट उर्दू भी रहता है, उर्दू पढ़ना भी उसमें जरूरी रहता है। उस एतबार से निज़ामाबाद में करीमनगर, आदिलाबाद, ये उर्दू में बिल्कुल का गढ़ है, तो इस यूनानी मेडिकल कॉलेज को यहाँ कायम होना और इसके जरिए से उनको मेडिसिन के लाइन में आगे बढ़ने की मौका मिलता है, तो हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि वो आपके इस टर्म में, हमको तो हम मेरी उम्मीद है कि अब आइंदे भी MP रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस टर्म में आप यूनानी मेडिकल कॉलेज को कायम करें। साथ ही एक अहम चीज़ है, वो एक मैटरनिटी
हॉस्पिटल का क्याम है। इस सिलसिले में यहाँ के बहुत से लोग भी कोशिश करते रहे, जमात इस्लामी की भी ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी की निगरानी में एक वुमेन्स ट्रीटमेंट बाई द वुमेन फॉर द वुमेन ये कॉन्सेप्ट के तहत एक मुस्लिम मैटरनिटी या जनरल मैटरनिटी, तो जमात ने उसका बहुत प्रोग्राम बनाया है। हम यहाँ भी शुरू करना चाहते थे लेकिन हमारे पास यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमको या तो सिटी में या इसके आउटस्कर्ट्स में इसके लिए एक जमीन अलॉट की जाए जिसमें हम जो है मुस्लिम मैटरनिटी या जनरल मैटरनिटी रन बाई यहाँ के सब लोग हो सकते हैं या जमात इस्लामी हो सकती है, उसके लिए हमको एक जमीन के अलॉटमेंट की जरूरत है। तो वो उसके सिलसिले में भी अब आपसे हमारा पूरा प्रोग्राम जो है उस जमीन की कमी और रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो काम रुका हुआ है। हाँ, हैदराबाद में हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा चलता है जिसमें हर महीना तकरीबन 400 डिलीवरीज वहाँ पर होती है, ये चादर घाट पर है, उसी वार्डों पर हम फॉर द लेडीज बाय द लेडीज ये कॉन्सेप्ट है। ये अब उसके अलावा अब अभी थोड़े दिनों पहले आदिलाबाद में एक था उसके लिए वहाँ पे डिप्टी सीएम साहब अहमद अली साहब आए थे, उसका इनॉग्रेशन हुआ फाउंडेशन इसको ले, तो यहाँ पर एक हज हाउस की बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा जाए और जल्द से जल्द उसकी तामीर हो। अब ये उसके अलावा ये आई टी को का हब सिटी ये है, फिर ड्रेनेज ये जो गोधन रोड है यहाँ से जो जोड़ती है एक नेशनल इंटरस्टेट हाईवे, लेकिन इसमें कोई ड्रेनेज की कोई सहूलत नहीं है लोगों के दरमियान में, उससे बहुत तकलीफ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसको जो है बेहतर बनाने का भी ये भी एक हमारा के लोगों की तकलीफ है, उस पर तवज्जो की जरूरत। अभी और भी बातें हैं, मेमोरेंडम देंगे, लेकिन मैडम डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी के मेन पिलर्स हैं उसमें तो या तो असेंबली लेजिस्लेशन या तो ब्यूरोक्रेसी या तो मीडिया या तो जुडिशरी। हम चाहते हैं कि यहाँ जो बच्चे अच्छा है कानून में पढ़ रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ ड्यूस करो, या जो लोग लॉ में या फिर ब्यूरोक्रेसी में जैसे गवर्नमेंट के ख्वाहिश थी कि जैसे लोगों को आगे बढ़ाएं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो सिलसिले की कोचिंग का भी नवंबर में भी इसका कोई एहतमाम हो इसकी तरफ, और बहुत अच्छा हमारे माहौल तेलंगाना के इस माहौल को हम पूरे इंडिया के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ आइडियोलॉजिकल बातें भी है, हम मैडम से इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि वो नेशनल लेवल पर भी जो चीज एटमोसफियर हमारे तेलंगाना में है वो एटमोसफियर मुल्क के दीगर रियासतों में भी आए, इसकी सीएम साहब की कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, चाहे वो पार्लियामेंट में हो। हम मुसलमान इस बात की तवक्को रखते हैं कि जो मुस्लिम इश्यूज पार्लियामेंट में जैर भरसा है मैडम भी उसमें अपना वजन अपनी पार्टी का वजन वो एक इश्यूज में वो जैसे तलाक का इशू है दीगर इशूज है उसमें वो माइनॉरिटीज और मुस्लिम तबक उसमें अपना वजन डाले, इस बात की हमारी ख्वाहिश है। तो ये इसके अलावा जो 15-point जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को यहाँ नाफिज करने में तो यहाँ के जो लोगों को यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ वो फ्रिक्वेंट मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करें, इन बातों को रखा गया है। मैं फिर एक बार मैडम का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इन बातों को अमल में लाएंगी और इस टर्म में 2019 के इलेक्शन से पहले यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज और मुस्लिम मेंटल हॉस्पिटल उसका इफ्तिता मैडम के हाथों से होगा। कविता साहबा रुकने पार्लिमान जिले इंजामाबाद और डाइस पर मौजूद जमात के आगाज में थोड़ी सी दाखिल हो गई और बहसीत मेज़बान के हम इस बात को मानते हैं कि आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए जमात इस्लामी पर किसी चीज़ को रिपीट करना नहीं चाहता, सिर्फ दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ मैडम।
एक बात तो ये है कि खासतौर पर पी आर एस के आने के बाद और आपके अपने पार्लिमान बनने के बाद ये बात की तवक्को थी कि जो निजामाबाद का मास्टर प्लान है ये करीब करीब 1973 से पोस्टपोन होता आ रहा है। करीम नगर देखिए अब तक, वारंगल देखिए अब तक, इवन आप जाइए सिद्धिपेट, मैं तो फिरते रहता हूँ, और आप गजवेल जाएंगे आपको महसूस होगा कि बड़ी बड़ी सड़कें वसी हो गई। ये क्या बात है, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस, पता नहीं चलता है कि क्या निजामाबाद के साथ क्या बात है। इसका ताल्लुक किसी खास माइनॉरिटी से नहीं है या किसी खास कम्युनिटी से नहीं है, तो पूरे जिले के जो है शहरियों का मामला है। तो मेरे ख्याल मैं समझता हूँ आप बेहतर समझ सकती हैं, यू नो बेटर देन एनीवन अदर एल्स, तो आप इस कोशिश कीजिए कि कम से कम जो है आइंदा सालों में इसके सिलसिले में कोई सूरत हाल निकल कर आए कि मास्टर प्लान बने, लोगों से ताउन करें। आप मतलब उतने पार्लियामान हैं, यहाँ के उतनी असेंबली है, सब लोग बैठे, बड़े बड़े लीडर्स बैठे, और जो कुछ कंपनसेशंस है या जो कुछ नुकसान है उस पर बैठे के भाई किसी बड़े कास्ट के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती, यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर टू गेटिंग द अचीवमेंट ऑफ द सम टारगेट ऑफ द सम एम इन योर लाइफ, ये तो आपको बताना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए। ये एक पहला बात है, मैं समझता हूँ आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि हर लोगों के दिलों में बेचैनी है कि आपके मास्टर प्लान जमीन पे क्यों नहीं आ रहा है। कागज पे तो बहुत बार आ गया, प्रेस में कई बार आ गया, रिपोर्ट में कई बार आ गया, जमीन पे नजर नहीं आता, तो आखिर इसकी क्या वजह है, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड। एक बात, दूसरी और आखिरी बात ये है कि आप उतने पार्लिमान है, आपसे बहुत सारे मसाइल में जो है जो मुकामी मसाइल है उस पर बहस करना कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारा ये एहसास है कि अभी जो ट्रिपल तलाक का मसला आया हमें, इसके सिलसिले में हमारा से बड़ा जमात इस्लामी नहीं, जमात इस्लामी या वेरी स्मॉल फिक्शन ऑफ दिस टोटल कम्युनिटी, बहुत छोटा सा हिस्सा। असल में मुसलमानों की जो सिंसियरिटी है, अगर आप शायद उनको कुछ 12% के बजाय 10% दे तो चलेगा, लेकिन हमारे दीन में मदाखलत मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये ट्रिपल तलाक आप मुसलमानों के शायद हाफिज़ा बहुत कमजोर होता है, उन्होंने दो दिन पहले के वाक्य को भूल गया कि ये दरअसल शरीयत के अंदर मुदाखलत है। आपने सिविल कोड को खान साहब क्रिमिनल लॉ के अंदर तब्दील कर दिया, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग व्हिच इज हैपनिंग। आप दूसरे पार्लियामेंट में, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सेंटीमेंट्स है ये रोड्स के सेंटीमेंट्स नहीं है, ये मास्टर प्लान के सेंटीमेंट्स नहीं है, इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम के स्पिरिचुअल सेंटीमेंट्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब 2019 के अंदर शायद ये पार्टी ये चाह रही है कि इस पोलराइजेशन की बुनियाद के ऊपर जीत हासिल करे। ये आप जैसी सेकुलर पार्टियों का काम है कि आप माइनॉरिटीज के साथ चले और इनके नक्शों को और इनके ख्वाब को पूरा होने ना दे। दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द मुस्लिम वोट, प्ले द कार्ड ऑफ द ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक इज नॉट द इशू व्हिच इज कंसर्न विद द मुस्लिम वुमेन, इट इज द कंसर्न विद द, इट इज अ टोटली हिडन एजेंडा ऑफ द आरएसएस टू ऑक्युपाई और टू कैप्चर द 2019 इलेक्शन। लेकिन आप जैसी सेकुलर पार्टीज है यूपी में है, और हम उनसे दायर करते हैं कि आप मुसलमानों को इन मामलों में अकेला मत छोड़िए, इसलिए कि किसी मुकाम के ऊपर अगर माइनॉरिटीज इज नॉट हैप्पी इन एनी स्टेट, दैट स्टेट इज नॉट कॉल्ड द वेलफेयर स्टेट, किसी भी रियासत को कामयाब रियासत नहीं कर सकते अगर वहां माइनॉरिटीज कुछ नहीं है। ये दो इश्यूज थे मैम, मास्टर प्लान का दूसरा ताल्लुक ऐसा है कि मुसलमान भूखा तो रह सकता है लेकिन शरीयत के अंदर मुदाखलत नहीं करता। दे आर प्लेइंग विद द फायर, मैं कह रहा हूं ये स्टेज से आप इलेक्शन जीत लेंगे क्या कर लेंगे अलग बात है, व्हाट इज हैपनिंग नाउएडेज, दे आर प्लेइंग विद द फायर, और अगर ऐसी खूबसूरत याद होगी देन दे हैव टू पे इट। ये चंद बातें थी जो मैंने मसाइल के ऊपर काम करिए, खुद अपना जाती काम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली है, जमात इस्लाम की हम बहुत कदर करते हैं, ईसाई हो या जमात इस्लाम, लेकिन हमारे निजाम वाले भी मोहतरमा कबीरा मैडम जी की ख्वाहिश थी कि वो जाकर जमात इस्लामी वालों से मुसलमानों के मसाइल के ऊपर बात करें, वो इसी ख्वाहिश से इस जमात इस्लामी इनके आज के प्रोग्राम के अंदर हाजिर हुए हैं ताकि मुसलमानों के मसाइल से बात करें, मसाइल से बात हल करें।
क्योंकि हमारी टीआरएस गवर्नमेंट तेलंगाना के अंदर मुसलमानों के हमदर्द अकलियतों के दोस्त अकलियतों के रहनुमा हमारे आली जनाब इज्जत साहब के सियाद साहब है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए एकड़ जमीन दिए, अजीज गुरबा यतीम खाने के लिए जो यतीम लड़के लड़कियां रहते हैं इनके माँ बाप नहीं है उनको वहां पे पढ़ना उनकी तालीम हासिल होना यहाँ तक कि उनको उनके जब तक कोई रोजगार का हासिल नहीं होता जब तक उनको वहां रखकर उनकी पूरे खर्चे को बर्दाश्त करना 21 करोड़ रुपए देकर हैदराबाद में अजीज गुरबा यतीम खाने का काम चल रहा है। उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर हमारे मुसलमान गरीब बच्चे और लड़के लड़कियों के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, 1,30,000 हमारे गरीब बच्चे और बच्चियां आज तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर तेलंगाना में जो तालीम हासिल कर रहे हैं ये हमारे केसीआर साहब कोई मामूली कारनामा नहीं है। एक गरीब आदमी के लिए 1,25,000 रुपए लगाकर पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है, 1,25,000 लगाए तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता। आज कारपेट स्कूलों की तरह उन गरीब हमारे मुसलमान बच्चों के लिए 1,30,000 बच्चों के लिए तालीम दिला रहे हैं केसीआर साहब, हम हमारे केसीआर साहब के तहत से शुक्रगुजार हैं। उसी तरीके से हमारी बहनों के लिए शादियों के लिए 75,000 रुपए दिए जा रहे हैं जो किसी स्टेट के अंदर 75,000 रुपए नहीं दिए गए आज तक, ना किसी हिंदुस्तान में किसी स्टेट के अंदर 204 स्कूल मुसलमानों के लिए नहीं खोले गए। ये हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का मुसलमानों के साथ हमदर्दाना सलूक है। उसी तरीके से इस फिरका परस्ती के दौर के अंदर आज तेलंगाना के अंदर असेंबली का बिल पास कर सेंट्रल गवर्नमेंट में ले आकर पार्लियामेंट में देना ये भी किसी वक्त कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पर हिम्मत का काम है। दूसरे स्टेट के लोग भी हमारे से मिलते हैं तो हमारे से कहते हैं, इससे पहले महाराष्ट्र में कोरा में गया था नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ के लोग बोल रहे ऐसे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर पहली बार देखे कि इस फिरका परस्ती के दौर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी फिरका परस्ती चल रही है, इसमें असेंबली के अंदर 12% का मुसलमान रेजोल्यूशन का बिल पास कर पार्लियामेंट में दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारे निजामाबाद के एमपी हमारी हरदी ललित का निजामाबाद मोहतरमा कविता मैडम जी इससे पहले कुछ जमाती मीटिंग बुलाए थे प्रगति भवन के अंदर निजामाबाद में, जिसमें जमात इस्लामी अहले हदीस सुन्नी जमात और जमीयतुल उलमा सब लोगों से बुलाकर बात किए। वो लोग जो जो उनके पास रहे जो जो मेमोरेंडम दिए जो जो प्रपोजल दिए तो एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहली बार निजामाबाद के अंदर 8 करोड़ के मुसलमानों के लिए सेंक्शन किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं, आज तक किसी एमपी ने 8 करोड़ का सेंक्शन नहीं करा। उसी तरीके से जैसा कि आप म्यूनिसिपालिटी की बात करते हैं निजामाबाद के अंदर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 350 करोड़ रुपए म्यूनिसिपालिटी के लिए लाए गए, निजामाबाद कारपोरेशन के लिए 200 करोड़ रुपए लाए गए, जिससे अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है और रोडों का भी काम हो रहा है। तो आज तक 70 सालों के अंदर कभी निजामाबाद को कोई डेवलपमेंट करते हुए नहीं देखा, आप ये देखेंगे पूरे निजामाबाद के सड़कें वड़के सब बन जाएंगे। हमारे निजामाबाद के एमपी दिल्ली से लेकर दिल्ली तक काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रॉडगेट निजामाबाद टू पेद्दापल्ली रेलवे लाइन होने दो या निजामाबाद से तिरुपति की ट्रेन दिए तबलीग जमात का इस्तेमाल हो रहा तो निजामाबाद से भोपाल तक ट्रेन डाले। उसी तरीके से आज हमारे एमपी साहब की ख्वाहिश थी कि जमात इस्लामी वालों के साथ बैठकर उनके साथ तबादले ख्याल करके आगे उनको किस तरीके से काम करना है, यही मकसद था और मुझे जो इसके अंदर मौका दिया गया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम जमात उस्लामी की जानिब से थैंक यू। जय तेलंगाना। इस प्रोग्राम में मौजूद सभी को मेरा सलाम, खासकर हमारे अली भाई हैं जो पूरा ऑर्गेनाइज करे, पर मालिक मोहित सिंह साहब है जो हैदराबाद से आए और अब्दुल अजीज साहब भी है जो स्टेट के लीडर हैं जमात के, और यहाँ के अपने आसिफ भाई और हमारे फैज भाई रफत खान साहब, अपने जाफर भाई, शेख हुसैन साहब,
आबिद भाई जो बोर्डन से आए हैं और अनवर खान साहब और हमारे मीडिया के भी बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं जो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी इश्यूज हैं उस पर बहुत इंटरेस्ट से हमारे साथ बात करते हैं और अखबारों में उसको पेश करते हैं। साथ में हमारे जितने भी जमाते के और हमारे निज़ामाबाद के रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, सभी को मेरा सलाम। मैंने एक्चुअली ये मीटिंग, मुझे लगा ऐसा इतना खुलेआम नहीं होगा, मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि जमाते ही उनके जो ऑफिस बेनर्स हैं उनसे एक बार बात करेंगे ताकि अपनी कम्युनिटी के तरफ से जो सरकार को बताने हैं इश्यूज उसके बारे में थोड़ा सीरियसनेस के साथ बात हो सके। अभी चंदवारे से हो जाता है, जब हाथ में माइक होता है सामने मीडिया होती है तो ज़्यादा कुछ बात होती नहीं, फिर भी जितनी संजीदगी के साथ बात हो सकती है मैं उतना कहने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इसमें आज मैं ये मिलने और कहने के लिए सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा से यहाँ पे आई थी। जैसे हमारे अनवर भाई कह रहे थे कि जनरली बजट गवर्नमेंट सैंक्शन करते हैं लेकिन उसको खर्च करना भी बहुत बड़े काम होते हैं। अभी उसको खर्च कैसे करें, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो हमारे सीएम साहब खुद ब खुद बाहर लेके आते हैं, हमेशा उसके लिए सैंक्शन करते रहते हैं। लेकिन जिस जज्बात के साथ जमात हिंद ने तेलंगाना मूवमेंट में काम किया, अभी उसी जज्बात के साथ हमने तेलंगाना डेवलपमेंट में भी काम किया। अभी काम अगर उस तरीके से चलना है तो आपको हमें सजेशन बराबर देना पड़ेगा कि जो एलोकेटेड बजट है उसमें से हम किस किस और चीज़ों में बजट को खर्च कर सकते हैं और कैसे खर्च कर सकते हैं। आप सबके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहती हूँ, 2015-16 में हमें 610 करोड़ का, हालांकि एलोकेशन तो 1130 करोड़ का हुआ था लेकिन पूरे साल में 610 करोड़ का रिलीज बजट हुआ है लेकिन उसमें खर्च हुआ है 490 करोड़। फिर आप 2016-17 में देखें तो 1200 करोड़ का बजट रिलीज हुआ है, एलोकेशन हुआ है जिसमें 950 करोड़ का बजट रिलीज हुआ है लेकिन खर्च हुआ है 850 करोड़। और आप 2017-18 में देखेंगे तो अब तक रिलीज हुआ है 1052 करोड़ लेकिन खर्च हुआ 598 करोड़। तो इसमें मैं एक सीरियसनेस के साथ आज आप सबसे बैठ के ये बात करना चाहता हूँ कि कौन से और ऐसे चीज़ है जो हमें इंक्लूड करना चाहिए और इस बजट को कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये बातें बहुत सीरियसनेस के साथ हमें सोचना चाहिए क्योंकि माइक के सामने रहता है बहुत बोल सकते हैं, कहते हैं कि कम्युनिटी को कल तक पूरा हम आगे बढ़ाएंगे करेंगे। हमें मालूम है क्योंकि तेलंगाना का कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी होने दीजिए, मेजॉरिटी होने दीजिए, जो भी, तेलंगाना को ही एक पिछड़ा राज बना दिया गया था इतना सालों में, तो एकदम उसको ऊपर उठाना आपको मालूम है कितना मुश्किल है। लेकिन एक रूट मैप, एक ब्लू प्रिंट के साथ हमें आगे चलना चाहिए और हमने 3 साल देखा है कि सरकार का कमिटमेंट क्या है माइनॉरिटी डेवलपमेंट के तरफ और इस सरकार का सीरियसनेस क्या है हमने देखा। तो अब ये वक्त है जब जमात के जैसे सीरियस ऑर्गेनाइजेशन को आगे आके एक प्लान गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए और उसके लिए हम भी कोशिश करेंगे कि बड़े साहब को भी आपके जितने भी सजेशंस होंगे वो पूरे बड़े साहब तक भी हम पहुंचाएंगे। और जहां जहां एलोकेशन करना है उसमें तो कभी भी कहीं भी हाथ रुकेगा नहीं, मैं उतना तो आपको वादा कर सकती हूं क्योंकि आपने देखा है पहले शादी मुबारक स्कीम हमने शुरू किया था, किसी ने पूछा नहीं, लेकिन जितना गरीबी और जितना पसमानगी अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके हिसाब से केसीआर साहब ने पहले 50,000 से वो स्कीम शुरू किया था लेकिन अभी उसको 75,000 ऑटोमेटिकली उन्होंने इंक्रीज, किसी ने उनसे कहा नहीं, किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं की। आज मैं फख्र के साथ बोल सकती हूँ कि शादी मुबारक के स्कीम में आज तक इस मुल्क, इस अपने तेलंगाना में 75,372 शादी सरकार की तरफ से करवाए गए हैं। 7 करोड़ रुपयों का खर्चा गवर्नमेंट ने किया है लेकिन हमारी सिंसियरिटी आप देखिए, ये पैसे हम माइनॉरिटी डेवलपमेंट के फंड्स में नहीं डालते, ये हम वेलफेयर में डालते हैं। जैसे एसटी के फंड्स अलग होते हैं, एससी के, कल्याण लक्ष्मी के फंड्स अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, इसीलिए इसमें खर्चा दिखता नहीं। मैं ये पूरा पैसा इसमें डाल के बोल सकती हूँ कि
पैसे खर्च कर दो, हमारे सब हो गए भूखे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, टोकनिज्म नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे, हमें जो करना है वो सीरियसली करना है और कम्युनिटी को आगे ले जाना है। मैंने अपने तरफ से ये चार सालों में ये कोशिश किया है, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिला नहीं, लेकिन जब अली भाई को मैंने मशवरा लिया था, उन्होंने कहा है कि हमारे सभी जमात को बुलाते हैं और सबको बुला के मीटिंग किया, तो सभी ने रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उन्हें जो दिया वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया और उसके 8 करोड़ रुपये आए थे और वो पूरे इस्लामाबाद के जितने भी मस्जिद है, जितने भी ईदगाह है, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने खर्च किया था। खैर निज़ामाबाद का अलग से हमने फिर लिया, बोधन का अलग से हमने लिया, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर फिर अलग से लेकर करने का कोशिश किया है, लेकिन सिर्फ ईदगाह और मस्जिदों के रेनोवेशन के साथ रुकना नहीं चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए एजुकेशन में भी हमने फोकस किया, जैसे आप साफ कह रहे थे कि हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो बात मैंने KCR साहब ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि हैदराबाद के पास आपके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आपको 8 रेजिडेंशियल स्कूल्स में सैंक्शन कर, उन्होंने खुद पॉपुलेशन के हिसाब से सैंक्शन करके दिया। और वो हमारे SIO के स्टूडेंट भाई बोल रहे थे माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज का मालापल्ली का जो इश्यू था, मैं भी 3 सालों से उसको फॉलोअप कर रही हूँ, लेकिन उसमें इश्यू ये है, सिर्फ वो नहीं दूसरे जगह भी डिग्री कॉलेजेस और जूनियर कॉलेजेस को हमने रोक दिया था, क्योंकि KG to PG में इंटीग्रेशन करने के लिए एक पूरा पॉलिसी का बदलाव हो रहा था, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, इसीलिए उसका सैंक्शन हुआ नहीं। लेकिन इस साल का जो जून में है उस टाइम तक ये कॉलेज चलेगा, क्योंकि अभी हमने नए टीचर्स को, नए लेक्चरर्स को उर्दू के अपॉइंट भी किए हैं, तकरीबन 2500 कुछ नए टीचर्स को अपॉइंट भी किए हैं, तो अभी लेक्चरर्स का स्टाफ का कमी नहीं रहेगा। अगर ये 2 साल पहले हम ओपन कर देते, कॉलेज तो खोल देते, लेकिन फिर लेक्चरर के लिए बागडोर करने वाली हालत थी, और KG to PG में कैसे इसको इंटीग्रेट करना है उसके ऊपर भी एक डिस्कशन चल रहा था। अभी जो जितने भी वेलफेयर स्कूल्स हमने मॉडल स्कूल्स माइनॉरिटी के शुरू किए हैं, तकरीबन वो 204 माइनॉरिटी स्कूल्स हमने हर जगह किया है, और 2 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस भी किया है। और आपने सही पूछा, मैं यहाँ पे ST डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद में लड़कियों का गर्ल्स कल हमने लगाया था, उसके बाद मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे एक महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का वही सोच है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे KG to PG में, तो हर जगह जूनियर और डिग्री कॉलेजेस का डिले होने के लिए बस यही रीज़न है और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अब उनको थोड़ा क्लैरिटी आ गया है, तो इस जून में वो जूनियर कॉलेज का शुरू हो जाएगा और डिग्री कॉलेज के लिए मेरा एफर्ट भी जारी रहेगा। और उसके साथ मैं आप सबको ये और दो चार चीज़ है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने शायद जिक्र भी किया था कि हमारी गवर्नमेंट IAS कोचिंग के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही है, वो एक 100 लड़कियाँ और लड़कियों को हम सेलेक्ट करके उनको IAS के लिए कोचिंग दे रहे हैं। साथ में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्किल को भी हमने क्रिएट किया है स्टेट में, और उसके साथ में जितने भी बाकी DSC के होने दीजिए या Group 1-2 के होने दीजिए, उसके भी कम्प्लीटली ट्रेनिंग सेंटर हम चलाएंगे, वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। उसके साथ जब उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, और साथ ही साथ एक 66 पोस्ट हमने क्रिएट किए थे, खासकर हमारे प्रेस भाइयों को, यहाँ निज़ामाबाद के बाद ही हुआ है वो, इन्होंने कंप्लेन हमें ये दिया था कि अगर कलेक्टर साहब है वो कुछ डिसीजन लेते हैं तो GO इंग्लिश में या तेलुगु में आ रहा है, लेकिन उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उर्दू मीडिया को देने वाला कोई है नहीं। तो हमने जब KCR साहब को ये मसला समझाया तो उन्होंने इमीडिएटली 66 ट्रांसलेटर्स को हायर करने के लिए कहा है, और ये 66 ट्रांसलेटर्स पूरे 31 डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे, साथ में पूरे मिनिस्टर्स के साथ भी एक एक ट्रांसलेटर अटैच होगा, ताकि कौन से भी डिपार्टमेंट में जो भी GO निकल के आएगा उसका उर्दू वर्जन निकल के न्यूज़पेपर्स को और GO में भी देने के लिए सीरियसली कोशिश चल रहा है। उसके साथ साथ आपको मालूम है इमाम और मौजंस का तकरीबन 18 क्रोर्स के साथ हर साल खर्च करके उनके लिए पेंशन का ऑनरोरियम का हमने अरेंजमेंट किया है। साथ में जामिया निज़ामिया का जो डिग्री है उसको ऑन पार विद अदर डिग्री कॉलेजेस का दर्जा भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने ही दिया है। जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें 2268
एंड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का भी इंतजाम हमने किया है और एक 37 कंप्यूटर सेंटर्स है हर जगह स्टेट में, उन सब का भी मॉडर्नाइजेशन करके किया है। और बाद में ये सेल्फ फाइनेंसिस कोर्स जितने भी होते हैं उर्दू मीडियम में, जहाँ कम्युनिटी पूरा मिलके लेक्चरर्स को टीचर्स को हायर करके सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो भी चलाती थी हमारे आरमूर जैसे जहाँ पे चलाते थे, उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। अब गवर्नमेंट ही उनको टीचर्स और लेक्चरर्स देगा, तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये मसला था ये चले गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू जो हमारे सीएम साहब ने असेंबली में इसका ऐलान किया था कि बेनिफिट्स टू माइनॉरिटीज ऑन पार विथ एससी एसटी मिलेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। जैसा जिस हक के साथ और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गवर्नमेंट एससी एसटी को स्कीम देती है, तो माइनॉरिटी भाइयों के लिए भी उसी हक के साथ मिलेगा, उसके ऑर्डर सभी आने वाले हैं। एक बहुत और इम्पोर्टेंट ये मसला था कि माइनॉरिटी फाइनेंस से जितने भी लड़के हमारे या लड़कियाँ लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक में जाने के बाद वो सताते हैं, कभी लोन मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं था पहले। लेकिन अभी हमने ऑनरेबल सीएम साहब ने इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के लिए बैंक लिंकेज का पूरा ही रिमूवल कर दिया है, तो उसको सीधा सीधा अभी पैसे मिलेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसेस होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो सिंगल बिल्डिंग में होंगे, ताकि जो माइनॉरिटी का कुछ भी काम होगा तो सीधा वही बिल्डिंग में जाएगा, पूरे सेक्शन में जाके काम करके बाहर चलेंगे। और हम जैसे लोगों के लिए भी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी, कलेक्टर्स के लिए भी मॉनिटरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी, ताकि हर एक स्कीम बहुत एफिशिएंटली चल पाए। उसके अलावा ये अपने करियर काउंसलिंग सेंटर जैसे आपने कहा था, उसका भी हमने उद्घाटन किया है। और एक स्कीम ये चला है कि ओन योर कैप, कैप जिनको भी कैप चलाने की है तो ओन योर कैप करके एक स्कीम में ऑलरेडी 1000 कैप्स दिया है और 500 भी इन द प्रोसेस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू जुबान को बढ़ावा देने के लिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स चलेंगे उन सबका पेपर अभी उर्दू में भी आएगा, तो उर्दू में जितने भी होंगे उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल पाएगा, इस आसानी से वो एग्जाम लिख पाएंगे। उसके साथ साथ अगर किसी माइनॉरिटी भाइयों का किसी बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए टी एस प्राइड के नाम से गवर्नमेंट उनको उनके साथ लेके चल के लोन या प्रोजेक्ट प्लान या सब कुछ बनाने में उनको मदद करें। उसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन पार्टनरशिप, इंडस्ट्रियल हाउसेस जितने भी हैं उनको साथ लेके जाने का भी काम किया है। और जो ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल रहा है 20 लाख का, उसका इनकम लिमिट भी अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो अभी 5 लाख तक की जिनका इनकम है वो भी अभी ये 20 लाख का स्कॉलरशिप का यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट के तरफ से जितना भी मुझे कहना था, आप सबको बताना था, वो मैंने मेरा फर्ज समझा है कि यहाँ बताना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, रिक्वेस्ट है या सजेशंस थे, उन पर मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। स्टाफ अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूरे स्टेट में हमारे पास ज़्यादा है, जीएचएमसी के बाद 600 से ज़्यादा हमारा स्टाफ है। लेकिन स्टाफ का काम करने का तरीका या उनको उनका टाइम बाउंड जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, उसको सुलझाने का काम अभी कर रहे हैं। तो स्टाफ का तो कमी कोई है नहीं, सिर्फ उनको एक लाइन पर रख के काम कराना है। उसके लिए हमारे यहाँ के मेरे साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये बबन साहब पहाड़ का ब्रिज ऑलरेडी इस पर प्रपोजल जो है उसमें हमने रखा है। आप सबको जान के खुशी होगी कि पहले कॉरपोरेशंस को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को गवर्नमेंट के तरफ से पैसा नहीं मिलता था, लेकिन पिछले साल से गवर्नमेंट ने बजट में 100 करोड़ एवरी ईयर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिल रहा है। उसमें तकरीबन सारे निज़ामाबाद के रोड्स का रिपेयर का पूरा कवर हो गया है। और इस साल का जो 100 करोड़ है उसमें ऐसे काम जो ब्रिज का काम है, जो बचा खुचा काम है, उसको इस साल के 100 करोड़ में दिया है। और एक एडवांटेज ये है कि म्यूनसिपल मिनिस्टर केटीआर साहब हैं, वो तो भाई हैं, तो यहाँ पे आए थे आरमूर में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था सबको जैसा 100 करोड़ देते हो वैसे दे दे या बहन को कुछ और एडिशनल दोगे, तो उन्होंने कहा है और 100 करोड़ आपको एडिशनली दे रहा है। ये जो भाई साहब का स्पेशल गिफ्ट है उसमें मैंने पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज चुने हैं जैसे अपने किला के पास के एरियाज हैं,
जहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम चल रहा है उसका दूसरे फेज में कवरेज होने है, तो उसको हमने लिया है। और जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे अपना माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेरे जो 100 करोड़ है उसमें हम स्पेंड करने का हमने प्लान बनाया है। उसके साथ साथ यूनानी मेडिकल कॉलेज का मैंने आज तक तो पूछा नहीं, आपने सजेशन दिया, डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट फॉर दिस। इसके बाद सप्लान का आपने कहा है उसका भी मेरे हाथ में नहीं है, बड़े साहब का ये डिसीजन लेना है, लेकिन आई विल सर्टेनली टेल हिम। एंड 12% रिजर्वेशन का तो यहाँ से वहाँ गया है, और वहाँ भी हमने इतने बार प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर ये रिक्वेस्ट किया है, आपको अगर देना नहीं है तो आप इनकार कर दो, अगर आप इनकार करोगे तो हम बोल जाएंगे, जैसे तमिलनाडु के पास चल रहा है वैसे हम चला लेंगे, और उन पर हमने बहुत जोर डाला है और भी डालेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। वो ना ही कहेंगे तो भी अच्छा है, हाँ कहेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन हम उसको किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश में है। उसके बाद अपने आदित्य भाई ने ये कहा है कि शुगर फैक्ट्री के बारे में, शुगर फैक्ट्री के जितने एम्प्लॉयज है वहाँ हमको एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसीलिए एक 25 एम्प्लॉयज को मैंने खुद अलग अलग तरीके से उनको अकोमोडेट करने का कोशिश किया है, और बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी अलग तरीके से अकोमोडेट करने का कर रहे हैं। और साथ साथ ये फी रीएम्बर्समेंट का जो आपने पूछा है 2016 तक पूरा क्लियर है, 17 का पेंडिंग है, जहाँ तक मुझे मालूम है जल्द से जल्द वो भी क्लियर हो रहा है, उसका पूरा डेटा है मेरे पास, 16 तक तो पूरा क्लियर है। उसके बाद हमारे स्टूडेंट भाई जो जूनियर कॉलेज के बारे में कहा वो मैंने किया, बाद में गवर्नमेंट स्कूल्स का टॉयलेट्स के बारे में आपने बोला, आई डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, स्कूल का नाम के साथ जैसा ही ओके जो स्कूल से। बाद में ये आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछा है, अभी मैं 2 तारीख को वापस दिल्ली आऊंगी तो इसका जरूर हम आप बता दीजिए उसका जरूर रिप्रेजेंटेशन वहां पे कर दूंगी। उसके साथ आपने जो पूछा था सब कि डाइट में स्टाफ कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए, सिंसियरली मुझे तो इसका पता नहीं, मैं अभी कलेक्टर साहब के पास ही जा रही हूँ, तो आई विल ट्राई एंड वर्क ऑन दैट। देन मेरा इलेक्शन टाइम का वादा था सब कि निजामाबाद में माइनॉरिटी मेटर्निटी हॉस्पिटल अलग से हम बनाएंगे, और वो वादा बराबर हम निभाएंगे। इसी आइडेंटिफाई हो गया, वो हैदराबाद में भी चला गया, हॉस्पिटल का सैंक्शन दिया है, लेकिन जरूर मुझे इसमें जमात का हेल्प चाहिए होगा, अगर आप ऑलरेडी मेटर्निटी हॉस्पिटल वहाँ पे चला रहे हैं तो यहाँ डॉक्टर्स की कभी कमी पड़ जाएगी या नर्सेस की कमी पड़ जाएगी या किसी चीज की कमी पड़ जाएगी, तो जमात के जितने भी एक्सपीरियंस स्टाफ है उनका तो जरूर हम हेल्प लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से ही ये अर्बन हेल्थ केयर सेंटर के नाम से चलेगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटी एरिया में बनाया है, मिनिमम 30 बेड से ये शुरू होगा। और आपको मैं और एक बात भी ये बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में अलग से एक 100 बेडेड मेटर्निटी हॉस्पिटल भी कम्प्लीटली अलग से हम बना रहे हैं, तो ये भी अपने वुमेन के लिए काम आएगा, वो जहाँ वो बन रहा है वो भी काम आएगा, तो फैसिलिटीज ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी, लेकिन ये अपने जुलाई और अगस्त तक का ये बनने का ये है। ऑलरेडी एक मास्टर प्लान का बात किया है साहब, आप निजामाबाद से है, निजामाबाद अच्छा, तो अगर आप निजामाबाद से है तो आपको तो मालूम है रियासत में हमें बहुत अजीब शहर मिला है, अब करीमनगर सिद्दीपेट गजवेल वो अलग शहर थे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े लीडर्स थे साहब, जो स्टेट लेवल पे काम करने वाले लीडर्स थे, जितना भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पैसा मिला था उसमें आधा से ज्यादा कहाँ गया आज तक कोई नहीं बता कि जब वो पैसों का पता नहीं चला हमने अलग से सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके 200 करोड़ एडिशनल फंड्स लेके आए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, उसका काम अभी चल रहा है, और मैं आपके तरफ से एक और बार निजामाबाद को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे मालूम है बहुत किल्लत है आज सड़क पे चलना निजामाबाद में, क्योंकि वो पाइप्स डालने में वो जितना भी डस्ट आ रहा है उससे बहुत डिस्टर्बेंस हमें हो रहा है,
लेकिन ये होगा जुलाई तक होगा, जब तक अंडरग्राउंड पाइपलाइंस ले नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसके ऊपर सड़क नहीं डालेंगे। ये मैंने आज नहीं पहले साल ही बताया था, क्योंकि बाकी शहरों का अलग सिचुएशन है, निजामाबाद शहर का अलग सिचुएशन है। अब आप पूरा का पूरा नागारा एरिया देख लीजिए सर, उसका क्या हालत है और किसने उसका हालत ऐसे बनाया। अभी आप जाके देखोगे रिक्वायरमेंट पूरा नागारा का गवर्नमेंट का लैंड दिखाता है, लेकिन वहां हजारों लोग बचे। तो रियासत में हमें ऐसा अजीब तरीके का एक शहर मिला है, तो मैं क्या जाके सबको भगा दूं वहां से? नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए, उनके लिए फैसिलिटी देना चाहिए और उसमें वक्त बराबर लगेगा। मैं आपको यही विश्वास देना चाहती हूँ कि झूठ में बोल के क्या बोलते हैं, झूठी झूठी बातें बोल के कुछ आपको मुझे ये नहीं करना है, गुमराह नहीं करना है। मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, विरासत में अजीब शहर मिला है, इसको ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन हम ठीक करेंगे और ये जून तक बराबर करेंगे। हमारे वही वादे थे जब हम इलेक्शन में आए, एक तो माइनॉरिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल का, दूसरा माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज का, ये दोनों भी हम बराबर पूरे करेंगे। और मास्टर प्लान का भी यही प्रॉब्लम है सर, कि पूरे जब एपी के मास्टर प्लान रिवाइव हो रहे थे, हमारा निजामाबाद का दबा के रखा गया था, लेकिन हमने अभी भी मास्टर प्लान बनाया, लेकिन ये सबको कोरिलेट करना चाहिए ग्राउंड के सिचुएशन से, इसीलिए हम अभी लोगों तक नहीं लेके आ रहे। एक बार जब मास्टर प्लान बनेगा बराबर वो लोगों के सामने आएगा, 3 महीने का वक्त दिया जाएगा लोगों को रिएक्ट करने के लिए, उनके ऑब्जेक्शन लेने के लिए, उसके बाद एक बराबर मास्टर प्लान करेंगे। और ये मास्टर प्लान भी हम ऐसे बना रहे हैं कि अगले 30 सालों के बाद भी ये हमारे निजामाबाद के शहर के लोगों के लिए काम आ जाए, ताकि बाकी के जितने विलेजेस को इसमें इंक्लूड करना है, ज्यादा लैंड गवर्नमेंट के लिए खरीद के रखना है, इंडस्ट्रीज के लिए कहाँ पे लैंड रखना है, क्या है, ये सारे चीजों को अकाउंट में लेके नया मास्टर प्लान बन रहा है और बराबर आपको बना के देंगे। लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जमात यहाँ का जमात हिंद बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और हमारे पास रिक्वेस्ट ये आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से अपने अपने लिए एक ऑफिस के लिए लैंड चाहिए, बराबर हम लैंड देंगे। हम सब लोग बैठ के बात करके लैंड देना है, ये पूरा एक सोच के डिसीशन ले लेंगे। और ये रफत भाई बोलते ही आ रहे और इसका तो काम करना ही है। एंड थैंक यू सो मच। मैं अभी भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कहीं पे प्राइवेटली बात कर सकते हैं 10-15 मिनट, जस्ट जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, मैं बराबर बात करना चाहूंगा। थैंक यू। Gracias.